जहाँ तक सीए का सवाल है, बार बार अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से पूरे तर्कों और तथ्यों के साथ कहा कि ये सीए जो है वो किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, बल्कि नागरिकता देने के लिए है, और वो उनको देने के लिए है जो धार्मिक रूप से पीड़ित और प्रताड़ित हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं। आप जो है वो जो चीज़ खुद महात्मा गांधी जी ने, जो चीज़ खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, वो तमाम जो महान लीडरशिप थी देश की, उन्होंने जिस समय कहा था, खुद कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन है कि अगर पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक या हिंदू समुदाय या सिख समुदाय या जो और अल्पसंख्यक समुदाय है उनको पीड़ित प्रताड़ित होगा, तो हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी मदद करेंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे और हम उनकी उनको नागरिकता के बारे में सकारात्मक सोचेंगे। अरे भैया, ये तो जो काम महात्मा गांधी जी का संकल्प था, जो जो संकल्प जो है वो खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, उस संकल्प को साकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन दिक्कत यह है कि हर समावेशी और सार्थक सुधार पर सांप्रदायिक वार करने की इनकी आदत है, क्योंकि इनकी दिक्कत एक हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर कोई सुधार किया है, कोई देश और समाज के हित में कुछ काम किया है, तो उसका विरोध ही करना है इनको। इनका लगता है कि विरोध करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। दिक्कत इनकी ये हुई है कि ये मैदान में खेल तो पा नहीं रहे, तो दूसरे का खेल कैसे बिगाड़ें, और खेल बिगाड़ते बिगाड़ते खुद इनका बंटाधार हो रहा है।